नारद जी ने कहा, क्या कहूं कुमारो, मैं आया तो अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पृथ्वी को उत्तम श्लोक उत्तम लोक समझ के ब्रह्म लोक को छोड़ के आया, पर यहां शांति भंग हो गई। सभी तीर्थों में घूमते घूमते मैं श्री वृंदावन धाम गया। वृंदावन धाम में मैंने अजीवो गरीब का दर्शन, अजीवो दृश्य का दर्शन किया। एक तरुणी स्त्री जो अभी अभी 20 वर्ष के उम्र की है और इसकी गोदी में 90 साल के दो पुरुष लेटे हुए हैं, जिनके बाल बकुले के जैसे सफेद हो गए हैं, जिनके शरीर में झाइयां पड़ गई हैं, अचेत अवस्था में कोमा में पड़े हुए हैं। वो देवी दोनों पुरुषों को गोदी में लिटाई है, एक इधर, और रो रही है। कई देवियां पंखा हिला रही हैं, कई देवियां पानी का छींटा मार रही, कोई चमर डुला रही है, पर उसके मन को शांति नहीं मिल रही। कुमारों, मैं उस रास्ते से निकला और जैसे रास्ते से निकला तो उस देवी की दृष्टि मुझ पर गई और उसने बड़े जोर से आवाज किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशे, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, एक क्षण के लिए रुको। नारद जी ने कहा, यहां तो मेरा किसी का परिचय नहीं, ये मुझे कौन आवाज कर रही है? ऐसे देखा, क्या बात है देवी? बोले, एक क्षण के सत्संग से सारे पाप दूर हो जाते हैं, दर्शन मात्र से, महापुरुषों के दर्शन मात्र से। रुको देवी, तुम कौन हो, ऐसी अवस्था में क्यों पड़ी हो? बोले, बाबा आपको पता है, ये मेरे परदादा नहीं है, मेरे दादाजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है। अहम तो भक्ति, मैं भक्ति हूं, इमाओ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, एक का नाम ज्ञान है, ये दूसरा वैराग्य है। कलयुग के आ जाने के कारण ज्ञान और वैराग्य कौमों में पहुंच गए हैं, मूर्छित अवस्था में पाता। देवी, अपना तो परिचय तो बताओ। इसने अपना परिचय दिया, उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बाबा, मैं दक्षिण भारत द्रविड़ देश की पुत्री हूं, आदि शंकराचार्य भगवान दक्षिण भारती, भक्ति के जितने आचार हुए हैं सब दक्षिण भारती। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, जगत गुरु वल्लभाधीश जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, सब का इतिहास देखिए दक्षिण। और भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब उत्तर भारत में। बड़ी दिव्य लीला है, इसीलिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के जब वनवासी बने तो दक्षिण भारत में जब गए तो कहते हैं, लक्ष्मण परम रम उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। अलिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। लिंग विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरही। जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरही। तो
परम रम्य उत्तम यह दक्षिण और उत्तर। अरे द्रविड़ देश की पुत्री, अहम भक्ति ख्या, मैं भक्ति हूं बाबा। पूरे भारत में भ्रमण करती करती आई, पर वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन हो गई। पर मेरे पुत्र, अब जिसके पुत्रों की ये दशा हो कि अचानक बुढ़ापा आ जाए, वो माँ कैसे, माँ बेट नारद जी इन्हें तो मुझे शर्म आ रही थी, मैं 20 साल की और मेरे बच्चे, मुझे शर्म आ रही। इदम लोक परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अगर यही दशा रही तो नारद जी आपके सामने मैं सौगंध शपथ करके कहती हूं कि मैं भारत भूमि को छोड़ के विदेशों में चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा ऐसा कभी मत करना देवी, मैं देख रहा हूं कि कलिकाल आ गया है, पर सकृष्ण क्वापि नोगता, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलाग। जिन्होंने भरी सभा में महारानी द्रौपदी के लज्जा रखी, वो कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या, जरा उन्हें पुकारो तो सही। जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी। कोई आश है तिहारी मैं जाऊं काके द्वार, मोही आश है तिहारी अरे सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत चीर बढ़ायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो भक्तों ने प्रभु को, नरसी भगत काज सांवरिया सेठ बने, नरसी भगत काज सांवरिया सेठ, नरसी भगत काज सांवरिया सेठ बन, भात पहनायो जाए लाज राखी जन की, भात पहनायो जाए लाज राखी। प्रहलाद ने पुकारो, प्रहलाद ने पुकारो, नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप विदारो, सुध भूल गई तन की। प्रहलाद ने पुकारो, नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप विदारो, सुध भूल गई तन की। अब महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, मैं ही सारथी कहायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो। ऐ भक्ति महारानी, आपके कारण तो भगवान सबरी माँ को माँ बना लिया। केवट के यहां गए और सरकार मांगी नाव, न केवट आना अकहई तुम्हार मरम मैं जाना। तो केवट के सामने भगवान जगत को, जगत के दाता केवट के सामने कहते, केवट मांगी मांगा है भगवान, मांगने पहुंच गए वो भी केवट के यहां। तुम्हारे कारण तो सबरी माता को, भगवान सबरी को के बेर को देख के, सबरी देख राम गृह आए, आहा सबरी माँ। तो सबरी को जैसे भगवान ने बेर खाया तो कौशल्या माँ की याद आ गई। क्यों आई सबरी माँ ने एक शब्द कहा भगवान, हो
लगे, माँ आज मुझे कौशल्या की 14 वर्ष 12 वर्ष हो गए, अब मुझे मेरे कौशल्या माँ की याद आपने दिला दी। क्यों भगवान? क्योंकि आप सबरी माँ ने कहा कि भगवान आप ही बताओ कि आपकी पूजा मैं कैसे करूं। आप अब आपको कोई महापुरुष आमे और आप कहो कि महाराज में हम आपकी सेवा क्या करें, आपकी पूजा कैसे करें, ये कोई कहता है क्या? आपको कौन सा पानी लावे, क्या लावे, ये क्या है? आप तो स्वयं आसन बिछाने की ऐसे ही बैठोगे, पूछते हो क्या? सबरी माता कहती हैं के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, भगवान आप बताओ मैं आपकी स्तुति कौन शब्दों से करूं, आप बताओ। और यही बात माँ कौशल्या कहती है, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करूं, भगवान आप बताओ मैं आपकी अस्तुति कैसे करूं। सबरी को देख के भगवान को अपने मां की याद आ गई। तो भक्ति महारानी आपके कारण तो भगवान सबरी के यहाँ चले जाते हैं। आप ऐसे अगर दुखी होगे, आप ऐसे मन को कमजोर करोगे तो काम कैसे चलेगा? आप प्रसन्न हो जाओ, मैं आपके घर घर में स्थापना करवा दूंगा। नारद जी की स्तुति भक्ति महारानी ने की। अब नारद जी कान में गीता का पाठ करने लगे, 18 अध्याय गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ, हरि ओम सहस्त्र पुरुषोक्त का पाठ। ज्ञान वैराग्य तो आंखें ऐसे खोला गया, गीता के पाठ से थोड़ी तो ताकत आई पर झड़ाम से गिर गए। नारद जी ने कहा ये असाध्य रोग है। कल चर्चा हो रही थी ना कि वेंटिलेटर पे का एक समय होता है, फिर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब वेंटिलेटर फेल, जब सारे अंग फेल तो अब वेंटिलेटर कब तक चलाओ? तो बोले ये तो वेंटिलेटर पे है ज्ञान वैराग्य, अब इनको बाहर की ऑक्सीजन दे रहा हूं, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया और इनका काम नहीं किया, मतलब अब काम खत्म। नारद जी अब आए तो भक्ति महारानी के कष्ट दूर करने थे पर स्वयं कष्ट में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई न देवर्षि, अगर आप ऐसे हो जाओगे तो फिर आगे का काम कौन करेगा, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म के तो कई विभाग हैं, गौशाला, पाठशाला, देवालय, ये सब की सेवा सत्कर्म है। कौन सा सत्कर्म? ध्यान आया तब करूं, और तब के लिए देखिए एक अभी यहाँ अपने काठमांडू नेपाल में है, अब यहाँ रेडियो अगर रख दोगे तो वो यहीं की भाषा यहीं के न्यूज बताएगा, अब वही रेडियो मुंबई में ले जाओगे तो मराठी बोलने लगेगा। तो रेडियो के रखने की अब तब करने की भी एक सुंदर जगह होती, मुंबई में तब बहुत मुश्किल का काम। एक अभी की बात है, मुझे लगता है 8-9 वर्ष पहले उनके यहाँ कथा हुई थी, तो कोई परिवार में फंक्शन हुआ तो उसमें मुझे भी आमंत्रित था, बहुत अच्छे संबंध हैं। गया मैं, और गया तो मैं देखा वो तो कंठी वंठी इतनी पहले ऐसा त्रिपुंड जैसे हरिद्वार से, तो दिनेश जी कहाँ हो आप? बोले महाराज जी आपको पता नहीं मैं तो इस वक्त ऋषिकेश रहने लगा, बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी। मैं बोला यार वहां क्या करते हो आप? बोले बस अब यही लग गया इन्हीं के रास्ते पे, अब कुछ नहीं। इतने धनाढ्य घर का लड़का
मैं बोला ये प्रेरणा यार, हम तो बिल्कुल मछली के जैसे कभी तड़फन होती है कि भगवान ये मुंबई से छुटकारा दिलाओ, पर पता नहीं कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि मुंबई से छूट ही नहीं पाते। वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, फिर उसी मुंबई कीचड़ में आके फंस जाते हैं, क्या करें। तो उसने कहा महाराज जी आपकी कथा से ही श्री गणेश हुआ और आगे रास्ता लाइट और जैसे टार्च आप जलाते जाओ रास्ता मिलता जाए। तो बोले कथा की वैराग्य तो आपकी कथा से ही हुआ था। तो मैं बोला मेरी कथा से आपको वैराग्य हो गया, मैंने इतनी कथा कर ली और मैं जेबी नगर नहीं छोड़ पा रहा हूँ मुंबई। बोले महाराज जी आप मेरे जैसे को अभी कितने लोगों को हरिद्वार ऋषिकेश भेजोगे फिर आप आओगे। तो देखिए एक तरण होते हैं, एक तारण होते हैं, एक तरण और तारण, एक तो खुद तरते हैं एक दूसरे को तारते हैं, उसको तरण तारण बोलते हैं। तरण खुद तर जाते हैं, जो तरण तारण होते हैं वो खुद तरते हैं दूसरे को तारते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि न खुद तरते न किसी को तारते, मनोरंजन करके कथा करके निकल जाते हैं, न आप पर उनका प्रभाव न उन पे उनका प्रभाव। तो बोले महाराज जी अभी मेरे जैसों को आप कितनों को हरिद्वार भेजोगे फिर आपको। मैं बोला ये अच्छी बात कर रहे हो। बोले आप अगर हरिद्वार आ जाओगे तो ये मुंबई में आप। बोला चलो आपकी भावना अच्छी है, तो ये भगवत कृपा है। तो यहाँ नारद जी खुद चिंता में पड़ गए, क्या सत्कर्म करूं, तप के लिए एक स्थान चाहिए, हर जगह तप नहीं हो सकता। बोले बद्रिकाश्रम में जाऊं वहां तप करूं, और यहां कुमार मिल गए। कुमारों को अपनी बात बताया कि भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसे पड़े हुए हैं। तो कुमारों ने कहा नारद जी इसके लिए चिंता की क्या बात है, ये दवाई तो हमने घोट घोट के पहले ही बना रखी है, पीने की जरूरत क्या बात करते हो कुमारों। बोले हाँ ये सब पहले से, ये देखो दवाई तैयार है, क्या है। बोले ज्ञान वैराग्य की मूर्छा केवल श्रीमद् भागवत से ही टूटेगी। तो बोले हमने तो वेदों का पाठ किया और जो वेद में है वही भागवत में है, तो फिर अलग से क्या है। यहां चार कुमारों ने चार उदाहरण दिए। बोले वेद क्या है, वो गन्ना है। अब भागवत जी क्या है, बोले वो गन्ने का जूस है। आप गन्ना पिला रहे थे वो कैसे 80-90 के हो गए, वो कैसे पूरे। फिर दूसरे कुमार आमूलाग्रम रसम तिष्ठ, आम के पेड़ से ही तो हापुस होता है, मीठा फल निकलता है, पर अगर कोई पत्ते में उसका रस निकाले तो क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या। कैरी यानी कच्चे आम का तो उसको भी सर्दियों ठंड अपने गर्मी में पीते हैं, उसको पना बोलते हैं, पर वो आम तो जब पक जाता है तो देवानाम सुरवर्धनम, वो तो देवताओं को भी मधुर होता है। तीसरा उदाहरण दिया दूध से ही घी निकलता है, पर दूध को आप 24 घंटा रख लो 48 घंटा रख लो, पर उसी का जब घी बन जाता है तो तरह तरह के व्यंजन रखो, भगवान का दीपक जलाओ और वर्षों वर्ष तक रखो। ऐसे चार उदाहरण दिए। तो बोले जैसे घी दूध में अंतर है, गन्ने और गन्ने के रस में अंतर है, आम और पके हुए आम और उसकी डालियों में पत्तों में अंतर है, ऐसे ही वेद और श्रीमद् भागवत में अंतर है। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो नारद जी, कुमारों को इसका रस पिलाओ और फिर देखो। बोले कुमारों के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया, कुमारों ने आपने तो मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया, अब ये कथा मैं कहाँ करूँ, कुमार कितने कृपालु हैं। बोले नारद जी तो गृहस्थ हैं नहीं, ये कहाँ धर्मशाला ढूंढेंगे, कहाँ जगह ढूंढेंगे, कहाँ ये सब व्यवस्था करेंगे। तो बोले आनंद नाम का वन है यामुना यास्तटम सुचि, आनंद नाम के वन में करो जहां नव कोमल बालुकम, आसन की एक फर्श की जरूरत नहीं, कारपेट की जरूरत नहीं, नव कोमल बालुकम नन्नी नन्नी बालू है वहीं सब संत आके बैठ जाएंगे। फिर महाराज उनको जलपान की जरूरत पड़ेगी, बोले गंगा जल का पान करें और चारों तरफ बैर के फल पेड़ लगे हैं,
पके पके बेर के फल तोड़े और खुद खाएं और खुद जल पान करें, किसी को जरूरत। नारद जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। अब तो घूर लोके, देव लोके, स्वर्ग लोके तथैव च, तीनों लोकों में ये बात फैल गई। जो अधिकारी थे सब के सब कथा श्रोता के लिए, भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवराज, सब पुत्र शिष्या जिनके पुत्र थे अपने पुत्र पत्नी को साथ में ले आए, जिनके पुत्र नहीं थे वो अपने शिष्यों को लेके आ गए। कथा का श्री गणेश सनत कुमार जी व्यास पीठ पर बैठे, कहते हैं सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा सदा रोज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेतिनामुर्वदन्ती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जप करते हुए भक्ति महारानी, अब देखिए जो कामा में थे, सूत जी महाराज कहते भक्ति सुतौ बहुवचन, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, तरुणौ एक पुत्र नहीं दोनों पुत्र तरुणावस्था को प्राप्त हुए। अब भागवत जी के बीच से प्रकट हो करके नृत्य करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे करने लगी भक्ति। ओ धन्य हो भागवत। अब जब भक्ति नारायणी ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी तो भगवान से रहा नहीं गया, त्रिभंग ललितश्चारु औस्तुभेन विराजिता, कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभ मणि धारण किए, अब करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले इतने सुंदर भगवान हैं। अधेरों पे धरी हो मुरली घनश्याम तुम्हें देखो, अधेरों पे धरी हो मुरली घनश्याम तुम्हें मेरे श्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। तिरछे खड़े हो नटवर तिरछा ही मुकुट सिर पर, तुम तिरछे खड़े हो नटवर तिरछा ही मुकुट सिर पर, तुम तिरछे खड़े हो नटवर तिरछा हो।